अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। मैं हूं इस वक्त अलवाहदा माल अबू जहबी में। और फ्रेंड्स, अलबेक जो कि सऊदीया की लीडिंग फास्ट फूड चेन है, जो कि 1974 में इस्टेब्लिश हुई और इस वक्त पूरे गल्फ के रीजन में बहरीन, कतर और बहुत सारे गल्फ के कंट्रीज़ में इस वक्त अलबेक अपनी ब्रांचेज ओपन कर रहा है। और यहाँ अमारात में पहली ब्रांच दुबई मॉल के अंदर ओपन की गई दुबई में, जो कि बहुत सक्सेसफुल ब्रांच थी। और उसके बाद अभी अलबेक ने डिसाइड किया और उन्होंने माशाल्लाह इट्स रियली गुड कि उन्होंने अबू धाबी में भी ब्रांच अपनी ओपन की है। और अबाउट 20 डेज हो गए हैं यहाँ पे अबू धाबी में ओपन हुए हुए, और बहुत ज़्यादा रश था। और मैंने भी आज डिसाइड किया है कि ज़रा चक्कर लगाएं और देखें कि अलबेक का फूड कैसा है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ रहिएगा, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, जिस तरह बहुत सारी लाइन्स हमें लगी हुई हैं और लाइंस को देख के आपको आइडिया हो गया होगा, जी हाँ, यही है अलबेक। और इस वक्त शाम का टाइम है, तकरीबन 6 बज चुके हैं इस वक्त। ये कोई लंच का या डिनर का टाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लाइनें लगी। तो फ्रेंड्स, अलबेक जो है वाकई एक ट्रेंड का नाम है। रियली अलबेक के फूड को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ये फ्राइड चिकन भी सर्व करते हैं, ग्रोसरी चिकन, और इनके नगट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो होपफुली आज मैं इनका फूड ट्राई करना लगा हूँ फर्स्ट टाइम। मैंने बहुत सुना है सऊदीया में अलबेक के बारे में, लेकिन कभी चांस हुआ नहीं इस तरह करके फूड ट्राई करने का। तो फॉर मी इट्स अ फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू ट्राई देयर फूड, और देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है अलबेक अबू धाबी। सो फ्रेंड, मज़े की बात यह है कि रेस्टोरेंट अलबेक है वहाँ पे, और इसकी जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो पहले इस लाइन से स्टार्ट हो गया, तो आगे आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइन जो है वो आगे लगी हुई है। इसके लिए आपको बहुत सारा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो आज प्लान करके आया हूँ कि अलबेक खाना है, इसके फूड को रिव्यू करना है। तो लेट्स देखते हैं कि हमारी बारी कितने टाइम में आती है। हाँ, बहुत सारे कोड्स लगे हुए हैं, आप वहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं मेन्यू को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी अलबेक का मेन्यू अवेलेबल है। सो गाइस, पीपल आर रियली क्रेजी फॉर अलबेक, नो डाउट अबाउट इट। अलवाहदा का फूड कोर्ट बहुत बड़ा है और बहुत सारी इटरीज हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इनकी जो स्पेशलिटी है वो इनका रोस्टेड है, और उसके अलावा नगेट्स, फिश फिले, और इनकी जो सॉस हैं वो बहुत अमेजिंग है। तो आज ट्राई करते हैं और रिव्यू देते हैं आप लोगों को कि फूड कैसा है, टेस्ट कैसा है। सो गाइस, बेसिकली आप एक लाइन से यहाँ पे एंटर होते हैं और यहाँ पे कैश काउंटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद आप अपनी पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपको वाउचर मिल जाता है, उसके बाद नेक्स्ट काउंटर है जहाँ से आपको फूड डिलीवर होता है। तो मैं इस वक्त तकरीबन कैश काउंटर के पास पहुँच चुका हूँ, मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूँगा और उसके बाद मैं सेकेंड लाइन में जाऊँगा जहाँ से मैं अपना ऑर्डर कलेक्ट करूँगा। सो गाइस, फर्स्ट लाइन के बाद हम एंटर हो चुके हैं। ये वाली सेकेंड लाइन जो है इसकी मेन एंट्री की, और हमें इस लाइन में लगकर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना है ऑर्डर के लिए। Yeah, the drink should be, the both drink should be 7 up. It's not coming with me. I know. 7 up. I'm repeating your order. Okay. 1 spicy nugget, 1 spicy 4 pieces of chicken, 1 garlic toast, 2 7 ups. Thank you very much. 85 for 50. Take over dining room. Dining. So guys, काफी लंबी लाइन के बाद मेरा जो है काउंटर पे पहुंच चुका हूं, मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब देखते हैं कि ऑर्डर लेने में हमें कितना टाइम लगेगा। सो गाइस, बहुत सारी लंबी लाइंस में लगने के बाद और बहुत सारा वेट करने के बाद आखिरकार मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया है। सो लेट्स इसको आप करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि फूड क्वालिटी कैसी है और टेस्ट कैसा है। Thank you.
सो फ्रेंड्स, अलबेक एक शोरा आफाक एक फास्ट फूड चेन जिसका स्टार्ट 1974 में सऊदीया में हुआ। सऊदीया में इस वक्त तकरीबन 120 से ज़्यादा इनके आउटलेट्स हैं और उसके बाद इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया और इस वक्त गल्फ रीजन में बहरीन में कतर में और बहुत सारे जो इनके पाइपलाइन में अभी बहुत सारी और प्लेसेस हैं जहाँ पे गल्फ में और अदर कंट्रीज़ के अंदर ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। गल्फ रीजन में अपना जो स्टार्ट है वो दुबई से लिया और दुबई में जो पहली ब्रांच है वो दुबई मॉल के अंदर स्टार्ट की और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, बहुत मैसिव रिस्पांस रहा और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया अपने आप को एक्सपेंड करने का विद इन अमारात और इस वक्त इसकी दूसरी ब्रांच जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया अबू धाबी में दूसरी ब्रांच जो है वो इस वक्त ओपन हो चुकी है। तो मैंने इस वक्त ऑर्डर किया है इनके बहुत फेमस चिकन नगट्स और इनका ब्रोस्टेड चिकन, स्पाइसी ब्रोस्टेड चिकन। सो आई विल ट्राई एंड आई विल जस्ट लेट यू नो कि इसका टेस्ट कैसा है। सो फ्रेंड्स, रियली टेस्ट इज रियली डिफरेंट एंड वेरी नाइस। तो मैं अपना मील अब एंजॉय करूँगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।